तो RRB NTPCCP 2 के रिजल्ट डे के लेके बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो वही कन्फ्यूजन आज हम देखेंगे कि किस बात के लेके इतना कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों, RRB लेवल 2, 3, 5 का जो रिजल्ट है कब तक आएगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और गुवाहाटी जोन का एग्ज़ाम डेट आ गया है, जिसमें गुवाहाटी का जो भी स्टूडेंट थे जिसका सेंटर गुवाहाटी में पड़ा था, ऐसा नहीं है कि जो गुवाहाटी जोन से उसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ, ऐसा बहुत से कैंडिडेट बहुत से जोन के हैं जिसका एग्ज़ाम गुवाहाटी में था उसका एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया है, जिसका री एग्ज़ाम का डेट आ गया है। तो देखो, नोटिस सबको दिखाएंगे कि कब कब एग्ज़ाम होगी, और इसमें क्या बात, क्या अब सभी जोन का रिजल्ट एक साथ आएगा, या आप देख सकते हैं, या क्या रिजल्ट अब 15 अगस्त के बाद आने वाला है, ये सारे इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले नोटिस दिखाते हैं आप लोग को। ये नोटिस आप देख सकते हैं, RRB गुवाहाटी की नोटिस है जो यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ इस पर आप लिखा हुआ है कि जो RRB गुवाहाटी का जो एग्ज़ाम बाकी रह गया था उधर का, उसके लिए 10 तारीख को लेवल 5 का एग्ज़ाम होगा, और 11 तारीख को लेवल 3 का एग्ज़ाम होगा, और 12 तारीख, सॉरी दोस्तों, लेवल 5 का एग्ज़ाम 10 को, लेवल 2 का एग्ज़ाम 11 को, और लेवल 3 का एग्ज़ाम 12 तारीख को लिया जाएगा। जो एग्ज़ाम बाकी था, बहुत स्टूडेंट ऐसे है जो चेन्नई जोन से है, पटना जोन से है, गुवाहाटी जोन कहीं से है, वो भी जोन से, वो सारा का एग्ज़ाम जो बाकी है वो एग्ज़ाम लेने के बाद ही आपकी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि अब रिजल्ट करना है, तो आप लोग को हम गुवाहाटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाके दिखाते हैं। गुवाहाटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हम लोग देखेंगे, ये देख सकते हैं RRB गुवाहाटी की ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें देखेंगे कि लिंक एक्टिवेट जो किया गया था उसमें किस तरह से स्कोर कार्ड या रिजल्ट आएगा, इससे आपको पता लग जाएगा रिजल्ट एक साथ आने वाला है या अलग अलग आने वाला है। तो इस लिंक को एक्टिवेट करते हैं, तो लिंक एक्टिवेट हो रहा है, तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ देखते हैं इंटर क्या व्यू स्कोर कार्ड ऑफ CEN 01 2019 NTPC 2 चेक लेवल वाइज रिजल्ट ऑन CV2, यानी कि लेवल वाइज रिजल्ट आएगा, यानी कि लेवल 4 लेवल 6 लेवल 5 3 2 ऐसे लेवल वाइज आपका रिजल्ट आएगा। तो बहुत से ऐसे कन्फ्यूजन बने हुए हैं कि रिजल्ट आपको जुलाई में ही आ जाएगा या इसके एग्ज़ाम अगस्त 15 अगस्त के ख़त्म हो इसके बाद। तो जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, तो मेरा मानना जहाँ तक है, वहाँ से हम बता दें कि इसकी रिजल्ट आपको अगस्त में ही आएगी, क्योंकि RRB गुवाहाटी के एग्ज़ाम 12 तारीख को ख़त्म होनी है, 12 के ख़त्म होने के बाद आपको लगभग इसके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा रिजल्ट में, यानी कि आंसर कि उसके 12 हो तो 13-14 को दे ही देगा, और इसको 18 से 20 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर एक वेबसाइट आपको दिखाते हैं, उसमें भोपाल जोन की वेबसाइट आपको दिखाते हैं, उसमें आपको देखिए क्या ये RRB भोपाल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ दिखाएंगे किस तरह से लिंक इसमें एक्टिवेट किया गया है, उस लिंक पर आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस बार रिजल्ट प्रकाशित। तो ये लिंक है जो पहले प्रकाशित किया था 22/6/2022 को प्रकाशित किया गया था, इस लिंक से आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट अभी जुलाई में आएगा या रिजल्ट अगस्त में आएगा। तो इसमें देख सकते हैं, प्लीज़ लॉग इन द व्यू CVT 2 स्कोर कार्ड एंड क्वेश्चन पेपर लेवल 4 एंड 6 एंड शॉर्टलिस्ट सबमिटेड, यानी कि इसमें देख सकते हैं अभी 4 एंड 6 का दिया है, यानी कि उम्मीद है कि रिजल्ट सबकी एक साथ ही आएगी। कंफर्म आप तो नहीं बता सकते, लेकिन उम्मीद है कि रिजल्ट आपको एक साथ ही आने वाली है, यानी कि लगभग 20 अगस्त 22 अगस्त तक आपकी, यानी कि 20 अगस्त से पहले रिजल्ट दे दी जाएगी, और 17 अगस्त से ग्रुप डी के एग्ज़ाम का भी डेट घोषित हो गया है। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ऐसे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।